मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4, एनिमल हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एनिमल्स किंगडम, मतलब वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये सब हम लोगों ने, कैसे चलते हैं, कैसे वो उड़ते हैं, है ना। और अब हम पढ़ेंगे एनिमल हैबिटेट्स की वो कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, We see different types of animal around us, but all animals are not found everywhere. हम बहुत तरीके के एनिमल देखते हैं हर जगह, लेकिन सारे एनिमल एक जगह नहीं मिलते हैं, वो हर जगह रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह। सम एनिमल आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट, कुछ एनिमल हॉट डेजर्ट यानी गर्म जगह पे, सम इन वेरी कोल्ड प्लेस, कुछ बहुत ठंडी जगह पे, सम इन वाटर, सम ऑन ट्री, जो कुछ पेड़ पे, कुछ पानी में, है ना। We may see a dog around our home, fish in the school aquarium, but we may not see a penguin or shark. जैसे डॉग हम देखते हैं अपने घर में, देखते ही हैं, और फिश हम कहाँ देखते हैं, जैसे एक्वेरियम हुआ उसके अंदर रहते हैं, लेकिन हम पेंगविंग और शार्क तो नहीं देखते हैं। पेंगविंग लिव इन कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड शार्क लिव इन द ओशियन। पेंगविंग जो है कोल्ड रीजन में रहती है और शार्क कहाँ रहती है, ओशियन में। सो वी से द डिफरेंट एनिमल लिव इन द डिफरेंट हाउस। ए हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव। हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं। इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल, ये नेचुरल होम है एनिमल का। ऑल एनिमल अडॉप्ट देमसेल्फ टू द कंडेंसेशन ऑफ देयर हैबिटेट फॉर देयर सर्वियल सर्वाइवल। दे एडजस्टमेंट टू सूट द कंडीशन ऑफ देयर टेरिटरीज इज कॉल्ड अडेप्टेशन। सम एनिमल हैबिटेट्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड आर्बोरियल। दो तरीका का होता है हैबिटेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और आर्बोरियल। तो